सावंतवाड़ी गाड़ी नंबर 1-0106 सावंतवाड़ी दीवा एक्सप्रेस कुछ समय में हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूमीज वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आप आज देख रहे होंगे कि मैं रेडी होके कहीं तो जा रही हूँ। तो हाँ, मैं जा रही हूँ, मैं मुंबई जा रही हूँ और कुछ ज़रूरी काम से जा रही हूँ। तो मैं आपसे बताऊँगी, सब शेयर करूँगी, तो बने रहिए लास्ट तक इस ब्लॉग में और इन्जॉय करिए आप भी मेरे साथ। तो अभी हम जा रहे हैं बस स्टॉप पर, क्योंकि हमें बस से जाना है, मतलब बस से हम जाएंगे रेलवे स्टेशन तक, फिर उससे ट्रेन से जाएंगे। हमारे गुहागढ़ में रेलवेज नहीं आती है, रेलवे स्टेशन नहीं है, तो हमें चिपलून जाना पड़ता है। तो चिपलून जाने के लिए हमारे यहाँ से बस है, तो हम बस स्टैंड पर जा रहे हैं। मेरा भाई, जो मेरी खाला का बेटा है, मेरा कज़िन है, वो हमें ड्रॉप करने के लिए आ रहा है रेलवे स्टेशन पे। तो हम ट्रिप से जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारी गाड़ी फिर रिटर्न लेके आएगा, इसलिए हम ट्रिप से जा रहे हैं। तो अभी वो बस स्टैंड पे छोड़ेगा, हम देखते हैं हमारी बस वहाँ पे लगी हुई होगी, तो फिर हम निकलेंगे चिपलून के लिए। मैं आपको बताती हूँ आज हम करेंगे एसटी का सफ़र। वैसे तो मैं रोज़ करती हूँ, मैं कॉलेज रोज़ बस से ही जाती हूँ, तो अब आदत हो गई। पहले मुझे मोशन सिकनेस का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह आदत हो गई है। तो फिर अब यहाँ पे हमारी बस लगी नहीं थी, अब हम वेट कर रहे थे और आ गई बस। हम आ गए बस में। अब हम ज़्यादा रश नहीं थी उस टाइम, एक्चुअली था सीज़न का ही टाइम, बट रश नहीं थी क्योंकि विसर्जन का टाइम नहीं था, गणपति चल रहे थे, तो कोई आ जा नहीं रहा था। यहाँ पे मैंने टिकट ले लिया बस का और फिर अब शुरू करते हैं, हम जाते हैं और मिलते हैं आपसे रेलवे स्टेशन पे चिपलून के। मैं चिपलून के रेलवे स्टेशन पे मिल के आपको बताती हूँ वहाँ का माहौल क्या है। तो ठीक है, बस जो है डायरेक्ट रेलवे स्टेशन नहीं जाती, तो वहाँ हम आधे में उतर के रिक्शा ले लेते हैं। हम रिक्शा राइड से फिर हम रेलवे स्टेशन जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ले ली है रिक्शा, अब हम चले रेलवे स्टेशन की तरफ। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं और वहाँ पे कोई तो और ट्रेन आ गई थी मुंबई से, तो उसके सब पैसेंजर थे। और यहाँ पे अब हमारी हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ये है चिपलून रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और उस पर खड़ी कोंकण रेलवे, वो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। और मौसम तो उस दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा मौसम लग रहा है। और पूरी जर्नी में भी आपको इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने मिलेंगे ना, पूरा कोंकण का जो व्यू है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मैं थोड़ी फ्लॉन्ट करते हुए, थोड़ा अपना फेस दिखाते हुए, मतलब मेरी तरफ फ्रंट कैमरा करके मैं थोड़ा ऐसे ही अपना टेक ले रही थी। और अब ट्रेन आने का टाइम हो गया था, तो बस सब लोग हरी हरी में यहाँ वहाँ सब जा रहे हैं अपने अपने कोच की तरफ, क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुका था। और यहाँ पे हमारी ट्रेन आ गई है, आप देख सकते हो ये रत्नागिरी दीवा पैसेंजर है, जिसका हमने टिकट ऑलरेडी बुक करके रखा था, इसलिए हमें सीट मिली। और यहाँ पे सब सीट थे, मतलब उस दिन बहुत ही ज़्यादा रश नहीं थी, सब लोग बैठे हुए थे अपनी जगह पे, ऐसे यहाँ वहाँ सब घूम रहे थे। बहुत ही ज़्यादा मज़े आए, हम लोग पूरे एंजॉय करते हुए अपनी अपना सफ़र किया और बहुत मज़े से गए। यहाँ पे हमारी सफ़र हमारे यहाँ पे शुरू हो गया है, तो देखते हैं अब आप भी खूबसूरत से नज़ारों को एंजॉय करिए। बहुत ही प्यारे प्यारे नज़ारे हैं कोंकण के, कोंकण रेलवे से ट्रैवल करने का मज़ा ही ये है, बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे मंजर देखने के लिए मिलता है, और बारिश के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब हम खेड़ रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं। ये खेड़ रेलवे स्टेशन था, यहाँ पे भी रश थी बट ज़्यादा नहीं थी, नॉर्मल सी थी। कोंकण रेलवे को ये तो नथिंग है, बहुत ही ज़्यादा रश होती है। अब ये चाइनीज़ बेल, ट्रेन की चाइनीज़ बेल मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, मैं हमेशा खाती हूँ। और ये दीवा पैसेंजर में ही मिलती है, नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन में नहीं मिलती, तो मुझे दीवा पैसेंजर से ट्रैवल करना यही पसंद ज़्यादा आता है,
कि चाइनीज़ बेल खाने मिलती है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे। बचपन से ट्रेन की चाइनीज़ बेल बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो ये अब बारिश आ गई थी और आप खूबसूरत से नज़ारे देख सकते हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारे नज़ारे हैं। तो आप इंजॉय करना मेरे साथ, और मैं भी बारिश के मस्त मज़े ले रही थी। ज़्यादातर टाइम मेरा ये हाथ बाहर ही था, बस मैं ऐसी भीग रही थी और सुकून से इंजॉय कर रही थी। तो आप भी करिए मेरे साथ। और अब हो गई थी शाम, तो यहाँ पे मम्मा ने ले ली थी चाय और वो चाय एंजॉय कर रहे थे। चाय मैंने तो छोड़ दी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से चाय छूट गई है। अब मैं चाय ज़रा भी नहीं पीती हूँ। तो मम्मा पी रहे थे चाय, उन्होंने अपने एंजॉय की, तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा ऐसी टेक ले लो, सबको बताएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मौसम, आप देख सकते हो। बारिश के मौसम में सच में ट्रेन से ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस आपको लेना ही चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कोंकण रेलवे से ट्रैवल ज़रूर करना बारिश के टाइम, बहुत ही ज़्यादा मस्त माहौल और मस्त सा मौसम हो जाता है। और ये आ गई थी सूखी वाली भेल ट्रेन की, जो कि सबकी फेवरेट होती है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है ये वाली भेल खाते खाते जाने के लिए। तो हम सब लोग ये सब भेल खा रहे थे, वो सामने हमारी दूसरी फैमिली थी, मतलब कोकनी लोग ही थे, बट ट्रेन में हम सबकी पहचान हो गई थी। तो बहुत अच्छे अच्छे से हम लोग मज़े करते इंजॉय करते हुए गए। तो सब लोग बैठ के वो भेल खा रहे थे, अच्छे से मौसम के मज़े लेते हुए। और पैसेंजर ट्रेन से जाने का मज़ा ही यही होता है कि सब लोग अच्छे से मतलब खाते पीते जाते हैं। और जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है उसमें बस ट्रेन की जो पैंट्री होती है उसका खाना आता है, बाकी बाहर का तो नहीं आता है। तो इसीलिए पैसेंजर ट्रेन से जाने मज़ा आती है। और फिर अब हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, अपनी मंजिल पे। हम आ गए हैं घर नवी मुंबई, जो कि मेरी मासी रहती हैं वहाँ पे। और आप लोग जब मैं बाहर व्यू बताओगी तो आप समझ ही जाओगे कि हम कहाँ पे आए हैं, नवी मुंबई में कहाँ पे है। तो हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पे मतलब बहुत रात हो गई थी तो हम डायरेक्ट वहाँ ही गए, वहाँ पे हमने रात भर रुके। फिर हम कल कहाँ जाते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो फिर अब हम आ गए हैं, अब जाते हैं घर पे और मस्त थोड़ा आराम करते हैं, क्योंकि ट्रैवल करके आए थे। और इनके घर से, मतलब मेरी जो मासी है उनके घर से आप व्यू देख ही सकते हो, कितना मस्त सा व्यू आता है। ये मैं आपको दिन में भी बताऊंगी, और आप गेस करके कमेंट में ज़रूर बताना कौन सी जगह है। तो हो गया है नेक्स्ट डे, और ये आप व्यू देख ही सकते हो यहाँ से, कितना ज़्यादा मस्त व्यू है जो मैंने आपको रात में बताया था। तो अब मैं सुबह सुबह उठ के आपको बता रही हूँ, ये वाला व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और आप पहचान गए होगी। तो मैं बता दूँ, ये तलोजा एरिया है, तलोजा में हम हैं, और यहाँ पे मोस्टली कोकनी लोग अब शिफ्ट हुए हैं, मतलब जो मुमरा के थे मोस्टली वो सब अब तलोजा में शिफ्ट हुए, क्योंकि अच्छा पॉश एरिया भी है, अच्छे से लग्जेरियस घर मिलते हैं रहने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। बट मुंबई से बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो आने जाने में थोड़ा मुंबई दूर दूर पड़ता है। तो अब हम आ गए थे खारगर स्टेशन, और वहाँ से हम पकड़े गए लोकल मुंबई की लाइफलाइन, और उससे फिर जाएंगे हम मुंबई जाके टाउन साइड में। थोड़ी हमें कुछ शॉपिंग करनी थी, पहले हमारा था काम परेल में, फिर परेल में हम काम निपटा के फिर उसके बाद हम मुंबई जाएंगे टाउन में, और टाउन से थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे। तो फिर बने रहिए, मिलते हैं वहाँ पे जाके।
और मुंबई में रहने वालों, मुझे ये बताओ कि आप रनिंग ट्रेन से कैसे उतरते हो और कैसे चढ़ते हो? अल्लाह, मुझे तो इतना खौफ आता है, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता है। पीछे से धक्के देते रहते उतरो उतरो, बट मैं जब तक पूरी ट्रेन नहीं रुक जाती मैं नहीं उतरती हूँ जरा भी। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता है, अल्लाह जाने ये लोग कैसे रनिंग ट्रेन में चढ़ते उतरते हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता है। तो लोकल में वैसे भी डर लगता है और हालत खराब जो हो जाती है रश की वजह से, लेकिन फिर भी लोकल में ट्रैवल करना अच्छा ही लगता है। तो अब हम उतर गए और यहाँ पे आप एस्केलेटर पे देखिए कितनी ज्यादा रश है। ऊपर चढ़ने के लिए इतनी मेहनत करके कौन चढ़ेगा भाई, डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाए वही बेटर है। फिर हम आ गए हैं अब परेल, परेल में हमारा कुछ काम करेंगे, और फिर काम हमारा हो गया था, मतलब वहां का मैंने शूट नहीं किया, कुछ काम से हम गए थे, तो फिर वहां से हम निकल गए और अब सीधे हम जाएंगे टाउन। और अब दोपहर हो गई थी और खाने का टाइम हो गया था, फिर हम गुलशन ईरान होटल में गए जो कि मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, तो वहां पे जाके हमने ये लेग बिरयानी खाया क्योंकि ज्यादा कुछ खाने का मन नहीं था, तो सीधे से हमने डायरेक्ट बिरयानी ऑर्डर करके वो खाया। फिर बाहर आए तो यहाँ पे कुछ तो आइसक्रीम था रोल पे ऐसे बन रहा था, जो कि ओरिजिनल जो फ्रूट जूसेस है उसका आइसक्रीम था, तो कुछ मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया और फिर वो खाया, फिर एंजॉय किया। फिर अब हम जा रहे हैं नाखुदा मोहल्ला, क्योंकि वहां पे जाके कुछ कुछ सामान मुझे लेना था। शादी की शॉपिंग फ्रेंड्स अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है, तब जाओगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। और यहाँ पे मेरा फेवरेट बन मस्का चाय, तो मैंने बन मस्का उसमें डुबो के खाया। मैंने आपको बाद में ही बताया कि मैंने चाय छोड़ दी और यहाँ पे देखे मैं पिघल गई, मैंने बस थोड़ा सा उसमें डुबाया, चाय नहीं पी थी। फिर हम आ गए हैं मोहम्मद अली रोड नाखुदा मोहल्ला, और यहाँ पे सब देख रहे थे हम कपड़े, और मैंने ज्यादा कोई शूट नहीं किया वहां का, मैं बस देख रही थी, थोड़ी बहुत शॉपिंग की, और मुझे शूट करने बिल्कुल भी नहीं मिला, मुझे आदत ही नहीं है। तो मैं नेक्स्ट टाइम अब शॉपिंग के लिए शादी की जाना है तब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपसे पूरे पूरे व्लॉग शॉपिंग के शूट करके आपको जरूर बताऊं। और ये हामीम है, यहाँ पे ब्राइडल वेयर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे मिलते हैं, तो मुझे वहां पे भी विजिट करना है। दूसरे भुलेश्वर मार्केट है, गांधी मार्केट है, बहुत ही ज्यादा मार्केट है, और मुझे बहुत ही ज्यादा मार्केट्स का पता भी है, तो मैं जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो जरूर आपसे शेयर करूंगी। तो फिर वो सब शॉपिंग मैंने थोड़ी बहुत मुझे लेना था वो ले लिया, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही हम लोग निकल गए। मॉर्निंग में नहीं, सॉरी, ये तो दोपहर का टाइम है, ये बारिश का टाइम था इसलिए मॉर्निंग लग रहा है, मॉर्निंग में नहीं निकले हमें, मॉर्निंग में जाना था कहीं और रिलेटिव्स की तरफ, हम वहां गए और फिर उसके बाद दोपहर में हम निकले थे। तो ये दोपहर का टाइम है, मतलब बारिश था उस टाइम बहुत। तो फिर अब निकल गए हम घर पे वापस, और यहाँ पे आप मौसम देखिए फ्रेंड्स कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, और ये बादल इतने ज्यादा प्यारे लग रहे थे। और हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकी थी क्योंकि दूसरी ट्रेन आ रही थी तो क्रॉसिंग के लिए रुकी थी, तो तब तक के लिए मैंने सोचा कि आपको व्यू बता दूं। बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा था उस दिन, ट्रेन बहुत ही ज्यादा लेट हो गई थी, मतलब हर स्टेशन पे रुक रही थी, इतना टाइम रुक रही थी, बहुत ही ज्यादा सिग्नल्स मिले थे। तो खैर कोई नहीं, अब हमारे साथ ही ऐसा होना रहता है, अब क्या करें। तो ये वाला मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे अब आ गई है ट्रेन, और ये ट्रेन आते ही फिर हमारी ट्रेन अब निकल जाएगी, और फिर फाइनली सुकून मिल गया कि हमारी ट्रेन अब छूट जाएगी। यहाँ पे निकल गई हमारी ट्रेन और फिर हम आ गए हैं अब चिकलून के बस स्टैंड पे फिर से, और इतनी रात हो गई है, हमें बस भी नहीं थी, तो यही सब वहाँ पे डिस्कशन चल रहा था, पब्लिक पूरी भड़क गई थी कि हमें बस चाहिए, और बहुत ही ज्यादा रात हो गई थी और बहुत ज्यादा थक गए थे, फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। और यही तक था आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही ज्यादा जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, अल्लाह हाफिज। और ये छोटू सा व्लॉग था, मैंने ज्यादा कोई शूट नहीं किया, और मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी शादी की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तो आपको बहुत ही ज्यादा मजेदार व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए, और अपना ढेर सारा प्यार मुझे भी बताइए, और इंस्टा पे फॉलो जरूर करें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।